खबर, तेज रफ्तार की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा, दो लोग घायल। दिल्ली NCR में नए साल आने के पहले ही ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस का स्टिकर लगाए एक कार ने दूसरी खड़ी कार में टक्कर मार दी, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। घटना में दोनों गाड़ियां बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के जगदीश नगर में सुबह तड़के गंभीर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक कार लेफ्ट कट लेने के लिए रोड पर खड़ी हुई थी, जिसमें दो लोग सवार थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी स्विफ्ट गाड़ी ने खड़ी हुई स्विफ्ट गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी चलाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी की गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। दोनों गाड़ियां बुरी तरह से चकनाचूर हो गई है। जिस गाड़ी में टक्कर लगी उसमें सवार दो लोग घायल है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी की गाड़ी में से बियर की बोतलें भी मिली है। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने शराब पी हुई थी। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ड्राइवर का मेडिकल कराया जाएगा। SP सिटी श्लोक कुमार का कहना है कि जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ था या नहीं किया था। नशा किए जाने और नहीं किए जाने दोनों ही सूरत में उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।